मेरी ये वीडियो न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है, न्यू यूट्यूबर्स के लिए है कि वो ये गलती ना करें। अगर वो ये गलती करेंगे तो उनका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो किस बारे में है वो आपको टाइटल से अंदाज़ा लग गया है। ये उन गलतियों के बारे में है जो आप करोगे तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, और अगर मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। वो गलती क्या है? और वो गलती मैंने भी की है। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है। मेरा चैनल डीमोनेटाइज क्यों हुआ? यूट्यूब ने इसका क्या रीज़न दिया? वो ये है, रीयूज कंटेंट। अब रीयूज कंटेंट क्या होता है? रीयूज कंटेंट का मीनिंग है जब आप किसी और का कंटेंट अपने चैनल पे डाल रहे हो, उसे विदाउट मॉडिफिकेशन किए, विदाउट एनी चेंजिंग, जैसा है वो वैसा ही आप अपलोड कर रहे हो। ये ऑप्शन भी यूट्यूब ने खुद दिया है, और वो क्या है? शॉर्ट्स जब आप ओपन करोगे, आपको एंड पे रिमिक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके थर्ड नंबर पे ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है। ग्रीन स्क्रीन से आप किसी के वीडियो पे रिएक्शन दे सकते हो, और यही गलती मैंने की जिसकी वजह से आज मेरा चैनल डिमोनिटाइज है और मुझे 3 महीने वेट करना है दोबारा अप्लाई करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें। इस गलती के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ये फीचर यूट्यूब ने खुद दिया है, और मैंने कहीं पे देखा, किसी की वीडियो देखी मैंने और मुझे लगा ये तो अच्छा ऑप्शन है, व्यूज भी आ सकते हैं, सब्सक्राइबर्स भी गेन हो सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर भी गेन हुए, व्यूज भी आए, बट एक दिन अचानक यूट्यूब ने सब खत्म कर दिया। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर कोई अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कैसे कुछ कर सकता है? सो मुझे इस चीज का दुख तो बहुत हुआ, बट मैंने इस चीज से सीखा भी बहुत कुछ है। एक न्यू चैनल भी बनाया, उस पर अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी है, शायद कर दूँ, सोच रही हूँ, दिमाग में कुछ चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं, उसके हिसाब से करूँगी। ये नहीं कि आप व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए वो कंटेंट यूट्यूब को दो। यूट्यूब कहता है सिर्फ व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए कोई कंटेंट मत बनाओ, कंटेंट ऐसा दो कि जिससे देखने वाला एंटरटेन हो, उसे कुछ नॉलेज हासिल हो। तो आप ये गलती कभी मत करना जिससे आपके चैनल को कोई नुकसान हो। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत से लोगों के साथ ना हो। तो YouTube पे आप कुछ भी डालोगे, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, प्योरली आपका खुद का होना चाहिए। अगर किसी का है तो उसे थोड़ा मॉडिफाई करो, थोड़ा अपने वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करो। जैसा उस बंदे का कंटेंट है वैसा ही आप उठा के डाल रहे हो। मेरे हिसाब से हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए चीज़ें। खैर, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा खींचने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो मैंने दे दी है। बाकी आपका काम है अप्लाई करने का। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़। आई होप वीडियो आपके काम आएगी।